हाय दोस्तों, मैं दीपक कुमार सेठ। आज मैं आपको ऐसे मंदिर के बारे में बताने चाह रहा हूँ दोस्तों, जो प्राचीन है और 500 साल लगभग पुराना है। आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, लिखा हुआ है प्राचीन मंदिर और यह लॉर्ड शिवा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों यह मंदिर 15 या 16 शताब्दी में बनाई गई थी, जो मैं ठीक उस साइड में है। मैं आपको मंदिर के पास ले चल रहा हूँ, देखिएगा वो मंदिर कितनी खूबसूरत है। और यह मंदिर वेस्ट बंगाल हुगली डिस्ट्रिक्ट के भदेश्वर में आती है। आइए दोस्तों उस मंदिर का दर्शन करते हैं जो शिव जी का है। दोस्तों जो आज मैं मंदिर दिखाने जा रहा हूँ लगभग 500 साल पुराना है। 16वीं या 15वीं शताब्दी में से बनाया गया था, 16वीं या 15वीं शताब्दी में बनाया गया। दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों शिव का मंदिर, इसका निर्माण सखी लाल दास ने किए थे, जो यहाँ के जमींदार थे, बहुत बड़े जमींदार थे। आज ही पूर्वज बस बगल में उनका घर है और रहते हैं। कभी दोस्तों मौका मिले तो मैं घर जरूर ले जाऊंगा। मैं सुबह लगभग 5:30 बजे यहाँ पर आया मंदिर शूट करने के लिए, क्योंकि कलकत्ते में संपूर्ण रूप से लॉकडाउन चल रही है। आइए दोस्तों मंदिर के दर्शन करते हैं। देख सकते हैं पूजा की हो रही है, उसका मंदिर निर्माण कितना किया गया है, देख सकते हैं। देख सकते पूजा भी हो रही है। आइए शिव जी का दर्शन करते हैं। आगे देख लीजिए, पीछे देख लीजिए, कितने सुंदर से दर्शाई गई है। बगल में तालाब है। अब उसके एक और बात बता रहा हूँ, वेस्ट बंगाली भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ संपूर्ण रूप से बहुत सारे तालाब मिलते हैं। दोस्तों एक समय ऐसा था जो बंगाल में अकाल पड़े, जिसके कारण यहाँ राजाओं ने काफ़ी नहर या तालाब की निर्माण की थी। उस समय से लेकर आज तक कहीं भी बंगाल में पानी कोई कमी नहीं आई है, ना ही तालाब इतने सर तालाब यहाँ पर इतने हैं दोस्तों कि जिस तरह नजर घुमाइएगा वहाँ तालाब पॉन्स मिलेंगे, जैसे इंग्लिश पॉन्स कहा जाता है। मंदिर आइए आपको पीछे दिखाता हूँ मंदिर, और जस्ट मैं मंदिर के पास अकेले चलूँगा, शिव जी का दर्शन कराऊंगा। और जब भी दोस्तों भदेश्वर आए शिव जी का दर्शन जरूर करें दोस्तों। पीछे एक सिंह है दोस्तों, 500 साल पुराना है दोस्तों। इस मंदिर को शूट करने के लिए 5 दिन हो रहे हैं, तो भीड़ बात कम हो और मुझे कोई दिक्कत ना हो। आगे दोस्तों शिव जी का दर्शन करते हैं। देख सकते हैं जिस बात कर रहे थे, सुबह सुबह यहाँ पूजा भी हो रही है। तो दोस्तों देखिए शंकर जी का दर्शन किए लॉर्ड ऑफ शिव। और दोस्तों यहाँ सावन के महीने में काफ़ी भीड़ होती है, सावन के महीने में काफ़ी भीड़ होती है। जल यहाँ से उठाकर पास में शंकर जी का वहाँ पर जाकर जल ढाया जाता है। और दोस्तों जब भी आप लोग आए वेस्ट बंगाल में हुगली डिस्ट्रिक्ट भदेश्वर जरूर आया। और दोस्तों चाहे तो नेट में भी सर्च कर सकते हैं भदेश्वर लॉर्ड शिव बोलकर, आपको 500 इसकी डेट कोई फिक्स नहीं पाई गई दोस्तों। 15वीं या 16वीं शताब्दी में इसको निर्माण किया गया था। वेस्ट बगल में ही यहाँ पर घर है जो निर्माण किए थे, पूर्वज आज भी जिंदा है। उसमें भी दोस्तों इसी तरह एक मंदिर बना हुआ है, बहुत बड़ा मंदिर है। इसमें जाने की परमिशन नहीं है, अगर मुझे कोई परमिशन मिली तो दोस्तों उस मंदिर में मैं जरूर दिखाऊँगा। बहुत सुंदर मंदिर दोस्तों, बहुत सुंदर मंदिर है, एक बार दर्शन करना जरूर है दोस्तों। मैं खुद का ही कैमरा कर रहा हूँ और सुबह 5:40 हो चुके हैं।
यहाँ पर ऐसे आप लोगों को मंदिर दिखाने के लिए। देखिए कबूतर यहाँ चल रहे हैं। दोस्तों मैं दीपक कुमार सेठ, वेस्ट बंगाल होल डिस्ट्रिक्ट बदेश्वर। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय शिव, आज भी गुरु है।